प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 17 अच्छी सीख पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7, समानार्थी शब्द लिखो। आपको पहले भी मैम ने कई बार बताया है, समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है, हमारा पहला है सरिता। अब हमें सरिता शब्द का पर्यायवाची लिखना, यानी कि समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए, सरिता का हो जाएगा नदी। ठीक है। अब देखिए, मार्ग, मार्ग यानी कि रास्ता। तो हम यहाँ लिखेंगे पथ, रास्ता भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ लिखेंगे पथ। अब देखिए, बादल, बादल का आएगा मेघ। धरती का भूमि, सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए आगे, मछली का मीन, दीपक का दिया और पेड़ का वृक्ष। तो देखिए बच्चों, ये हमारे समानार्थी शब्द हैं। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8, वाक्य बनाओ। पहला है तपकर। अब हमें तपकर शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है जिसमें तपकर शब्द आना चाहिए। देखिए, सूर्य तपकर धरती को रोशन करता है। तो देखिए, इसमें तपकर शब्द आ गया। अब ऐसे ही आगे जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। अब आगे देखिए, गतिविधि कार्य। बच्चों, इस कविता को एक चार्ट पेपर पर लिखो और इसे लिखते हुए जो दृश्य आपके मन में आ रहा है उसे चार्ट पेपर पर बनाओ और चित्र में रंग भरो। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको इस कविता को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और इसमें जो भी दृश्य दिया गया, इस दृश्य को देखते हुए आपके मन में और क्या आ रहा है, तो उसे भी आप अपने उसमें बन कार्य पुस्तिका में बना उस चित्र को कार्य पुस्तिका में बनाइए और उसमें रंग भरिए। ठीक है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 92 पर प्रश्न संख्या 7, 8 आपको अपनी किताब में करना है और गतिविधि कार्य आपको कार्य पुस्तिका में करना है। ठीक है।